साहब, जोरावर इस वक्त अपने मड वाले बंगले में रघुवीर के साथ जश्न मना रहा है। गुड आफ्टरनून पापा, गुड आफ्टरनून मामा। गुड आफ्टरनून। लाइए मैं कर देती हूँ। ओके। पापा, हमारे कॉलेज में एक फंक्शन है। कोई चंदा वंदा चाहिए क्या? नहीं, आपकी कोऑपरेशन चाहिए। ओह, हुक्म कीजिए। हमने एक डांस आइटम तैयार किया था, लेकिन मेरा डांसिंग पार्टनर भाग गया। तो तू क्या चाहती है, उसकी जगह तेरे पापा डांस करें? नहीं मम्मा, वो काम तो कोई बंदर भी कर सकता है। कोई बंदर ढूंढ लिया है क्या? हमारे घर में है ना आपका राज, स्टेज पे उल्टे सीधे हाथ पैर भी हिला देगा तो काम चल जाएगा। भाई, उसके हाथ पैर हिलाने का एक अंदाज तो मैं देख चुका हूँ, लेकिन वो संगीत के साथ कैसे हाथ पैर हिलाता है उससे पूछना पड़ेगा। नहीं पापा, टाइम बहुत कम है, आपको उसे राजी करना पड़ेगा। मेरी प्रेस्टीज का सवाल है, प्लीज पापा। ओके ओके, थैंक यू। गेस्ट रूम है, रूम में जो मार्बल है ना वो इटली के है, बाथरूम में जो टाइल्स है ना वो सिंगापुर से मंगवाए हैं, और ये जो कांच लगे है ना ये अपना बेल्जियम के है, और जो ये कारपेट लगे ना ये खास अरब से मंगाया है। हाँ, ये खास सिर्फ आप मेहमानों के लिए। बाबा, मुझे माफ कर दीजिए, बाबा मुझे माफ कर दीजिए, मैं जान हथेली पर लाया हूं तो सिर्फ सिर्फ आपसे माफी मांगने के लिए। उठो जोरावर, उठो। मैं अपनी औकात भूल गया था बाबा, भूल गया था कि ऊंट अगर बैठा भी हो तब भी कुत्ते से ऊंचा होता है। अब जैसा आप बोले वैसा ही होगा।